नहीं, एक बार रिजाइन करवाना पड़ता है बीच में एक बार। क्लास इस वक्त बताती हूँ, दो बच्चे थे अभी तो, इंग्लिश मीडियम के आते ही नहीं है। नमन ना, नमन नहीं आया आज, कोई और आया था, अजय यशेंद्र, अजय पाल नहीं, यशेन, पाल, यतेंद्र। हाँ सोनम, वो तो लेते हैं क्लास, हाँ वो दोनों तो लेते हैं। तुम लोग तो कभी आए नहीं क्लास में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? चलो, फ्रीक्वेंसी निकल गई। न्यू कॉस टू न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। अब निकालते हैं, हमने इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स लिखी थी, दोबारा लिख रही हूँ इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स। उससे निकालेंगे हम इसकी टेन थीटा डायरेक्शन। क्या थी इक्वेशन फिफ्थ? क्या थी? न्यू डैश क्या? हाँ, दूर दूर बैठो आप लोग। न्यू डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी, और एक था आपका न्यू गामा अपॉन सी, बी अपॉन सी माइनस कॉस थीटा। ये तो एक इक्वेशन फिफ्थ थी जो मैंने पहले निकाल चुकी, और एक निकली थी आपकी न्यू साइन थीटा इक्वल टू न्यू डैश साइन थीटा डैश। ये इक्वेशन फिफ्थ थी और ये इक्वेशन सिक्स थी। अब इन दोनों का डिवाइड करके हम निकालने वाले हैं सिर्फ टेन थीटा डायरेक्शन। डिवाइड इक्वेशन सिक्स बाय इक्वेशन फिफ्थ। चलो इससे इसका डिवाइड करते हैं, ये सी से सी कैंसिल, न्यू डैश साइन थीटा डैश अपॉन न्यू डैश कॉस थीटा डैश इक्वल्स टू न्यू साइन थीटा अपॉन न्यू गामा वी अपॉन सी माइनस कॉस थीटा। न्यू डैश से न्यू डैश गया, न्यू से न्यू गया, क्या बचा ये? टेन थीटा डैश इक्वल टू साइन थीटा गामा बी अपॉन सी माइनस कॉस थीटा। ये निकल गई इसकी डायरेक्शन। एक तो फ्रिक्वेंसी निकल गई और किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी वो निकल गई। इक्वेशन नंबर 9। अब स्पेशल केस पढ़ने हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करवाऊंगी इसकी स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस फर्स्ट, पहला लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पर। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब हुआ ये आपका एक्स था, ये वाई था, यहाँ से लाइट ट्रेवल होकर पी पॉइंट पे पहुंच रही थी, और ये एंगल जो बना रहा था वो थीटा एंगल बना रहा था। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री एंगल हो गया तो ये लाइन तो आपकी खत्म। जो ट्रेवल करेगी लाइट वो किस एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगी? एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगी। अब इस कंडीशन में डायरेक्शन जो होगी टेन थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करके लानी है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है तो साइन थीटा साइन 0 0 और कॉस थीटा कॉस 0 1, तो टेन थीटा डैश क्या निकलेगा? साइन थीटा तो 0 हो गया, 0 अपॉन गामा वी अपॉन सी माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो टेन थीटा डैश वैल्यू कितनी निकलाई? 0 डिग्री। मतलब टेन थीटा डैश भी फंक्शन क्या निकलता है इसका डायरेक्शन? 0 निकलता है। अब फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या निकला था? न्यू बराबर न्यू डैश, इसी पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं। न्यू बराबर न्यू डैश
गामा वन माइनस बीटा कॉस थीटा। चलो थीटा बराबर जीरो डिग्री रखते हैं तो कॉस थीटा वन, तो न्यू बराबर न्यू डैश गामा वन माइनस बीटा, ये तो वन हो गया, न्यू बराबर न्यू डैश, गामा की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये यहाँ पहुँच गया था वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा था आपका वन माइनस बीटा, न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट वन माइनस वी अपॉन सी की वैल्यू क्या होती है बीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा वन माइनस बीटा। न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या चल रहा है आपका वन माइनस बीटा, ये कैंसिल, न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट वन वन प्लस बीटा, और नीचे एक बचाया ना रूट में, ये आपकी निकल गई फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश अंडर रूट वन प्लस बीटा ओवर वन माइनस बीटा, ये निकाला हमने जीरो डिग्री पर, स्क्रीनशॉट लो तो निकालना चाहिए, बच्चा मुझे हिंदी मीडियम, यतिन तुम्हारी क्लास का बच्चा है, मुझे हिंदी मीडियम का बच्चा लगता है, ये इसमें आता है हिंदी मीडियम का, ये दोनों क्लास लेता है, उसमें भी लेता है इसमें भी लेता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थीटा बराबर जीरो डिग्री पर हो गया, अब निकालेंगे थीटा बराबर पाई पर, डालिए नेक्स्ट सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा इक्वल्स टू पाई का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपका लिसनर इधर जा रहा है, सोर्स अगर इधर जा रहा है तो ऑब्जर्वर उधर जाएगा, या फिर सोर्स अगर इधर आ रहा है तो ऑब्जर्वर इधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा इक्वल्स टू पाई पर आ जाओ, थीटा इक्वल्स टू पाई पर दैट इज सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए पहले न्यू ही निकालते हैं फ्रिक्वेंसी, न्यू डैश गामा वन माइनस बीटा कॉस थीटा, थीटा बराबर पाई पर निकालना है, कॉस थीटा कॉस 180 माइनस वन, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश गामा वन प्लस बीटा, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश गामा की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वन प्लस बीटा, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ वन प्लस बीटा, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश अंडर रूट वन प्लस बीटा वन माइनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश वन प्लस बीटा कैंसिल, क्या बचा वन माइनस बीटा ओवर वन प्लस बीटा, ये निकली फ्रिक्वेंसी जब लिसनर और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दो पर करे हमने जीरो डिग्री पर और 180 डिग्री पर, दो केसेस करे, ये दोनों केसेस जो थे वो थे लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट के, ये दोनों केसेस हैं जीरो डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों पढ़े हमने लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट के,
चलिए सेकंड डालते हैं। अब डालिए ट्रांसवर्सल डॉपलर इफेक्ट। इसके अंदर थर्ड केस पढ़ेंगे, जब लॉन्गिट्यूडनल था या तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है ये, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, पर ना ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल होता है ऐसे, तो मतलब दोनों एंगल बीच में कितने चलेगा 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज सोर्स एंड ऑब्जर्वर both are moving perpendicular to each other. थीटा 90 पर cos थीटा क्या हो जाएगा 0, निकालिए न्यू बराबर न्यू डैश गामा 1 - बीटा cos थीटा, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश cos थीटा 0, तो क्या बचा केवल गामा, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश, और गामा की वैल्यू 1/√1 - v² / c² तो न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश √1 - β². ये निकल गई आपकी ट्रांसवर्सल की फ्रिक्वेंसी। टॉपिक कंप्लीट, डॉपलर इफेक्ट। इसके अंदर दो चीज पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा वर्सा पढ़ा ट्रांसवर्सल। टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए अब लास्ट टॉपिक डालिए, फोर फ्रीक्वेंसी। डालिए फोर्थ फ्रीक्वेंसी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस चैप्टर के बाद इस यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड यूनिट का, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डालिए फोर्थ फ्रीक्वेंसी। अगर आज ही हो गया तो टाइम नहीं बचा है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, कल से नहीं हो, हाँ कल से ही करूँगी ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद नया चैप्टर। डालिए अब फोर फ्रिक्वेंसी। हमने फोर्थ क्या क्या निकाल चुके हैं, फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन निकाला, फोर फोर्स निकाला, फोर वेलोसिटी निकाली, फोर मोमेंटम निकाला, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा, और लास्ट पढ़ रहे हैं फोर्थ फ्रिक्वेंसी। ये 4-5 टॉपिक थे इस चैप्टर के, वो कंप्लीट हो जाएंगे कल से। हम कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा चैप्टर तुम लोगों ने, पीयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, कल वो पढ़ेंगे। अभी तो स्टार्टिंग करते हैं फोर्थ फ्रिक्वेंसी की, और फोर्थ फ्रिक्वेंसी जो निकालने वाले हैं वो इसी से निकालने वाले हैं, जो अभी डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था इसी के जरिए आपको फोर्थ फ्रिक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो यूज हुई है वो केवल इसी के अंदर यूज हुई है डॉपलर इफेक्ट में, नहीं तो अभी तक हमने वेलोसिटी, मोमेंटम, एस्कलरेशन, फोर्स ये सब पढ़ा, इसमें कहीं आपने फ्रिक्वेंसी का नाम नहीं सुना। फ्रिक्वेंसी जो आई वो किसके अंदर आई, केवल डॉपलर इफेक्ट के अंदर। तो आपको डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से फोर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल के लानी है, और फ्रिक्वेंसी की आप वैल्यू पढ़ चुके हो, न्यू बराबर कितनी निकली थी न्यू डैश गामा 1 - बीटा कॉस थीटा, उसी की हेल्प से आपको फ्रिक्वेंसी के 4 कंपोनेंट निकालने हैं, F1, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 और न्यू 4। चलो स्टार्ट करते हैं।
from Doppler effect. Doppler effect में आपने equation third पढ़ी थी. Doppler effect के अंदर भी equation third निकली थी. Omega t minus k vector dot r vector जो होता है, ये phase है, wave का phase है ये. Omega dash t dash minus k dash डॉट आर डैश के बराबर होता है और दोनों कैसे रहते हैं आपके इनवेरिएंट. ये डॉपलर इफेक्ट में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो वाली इक्वेशन, दोनों इनवेरिएंट रहते हैं. फोर फ्रिक्वेंसी जो होती रहती है वो कांस्टेंट रहती है. अब इसको खोलते हैं जरा. ओमेगा टी के डॉट आर को ओपन करके देखते हैं कैसे ओपन होता है. के वैक्टर डॉट आर वैक्टर. के को कैसे खोलते हैं, के एक्स आई कैप, के एक्स वाई कैप, जे कैप, के जेड, के कैप, ऐसे ओपन करते हैं. डॉट आर वेक्टर को ओपन करते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, दोनों का डॉट करिए. आई कैप का आई कैप से वन, के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड, ये आएगा. इसकी वैल्यू मैं आपको टप कर देती हूँ. ओमेगा टी के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड, ये इसके लिए चल रहा है. इसके लिए लेंगे तो इसमें भी के डैश आर डैश है, अगर डैश में लोगे तो ये भी डैश डैश सारे डैश में फंक्शन आ जाएंगे. इसमें से ओमेगा कॉमन लेती हूँ, कितना बचेगा, टी माइनस के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड ओवर ओमेगा. ओमेगा को ओपन कर सकते हैं टू पाई न्यू से, और ये जो चल रहा है आपका वो बराबर चल रहा है आपका ओमेगा डैश टी डैश माइनस ए वेक्टर. हो गया क्या, दो मिनट और बचे, क्या डेरिवेशन तो ही नहीं पाएगा मेरे को. ओमेगा डैश टी डैश माइनस के वेक्टर डैश डॉट आर डैश, मेगा डैश टी डैश माइनस के वैक्टर डॉट आर डैश. चलो यहीं पर ओपन कर देती हूँ इसकी वैल्यू. के वैक्टर डैश डॉट आर डैश की वैल्यू क्या ओपन होगी, के एक्स डैश एक्स डैश, के वाई डैश के जेड डैश, और दोनों किसके बराबर चल रहे हैं आपके इनवेरिएंट, इनको लिख दिया हमने इनवेरिएंट. इसमें से ओमेगा कॉमन लिया, इसमें से भी ओमेगा डैश कॉमन ले लीजिए, ओमेगा डैश, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा इसके, ओमेगा डैश. स्क्रीनशॉट लो. ओमेगा को ओपन कर देना, टू पाई न्यू डैश, टू पाई कैंसिल, क्या बचेगा, इधर भी न्यू और इधर न्यू डैश बच जाएगा. ओपन करता है अब टू पाई न्यू और टू पाई न्यू डैश, टू पाई न्यू लिख रही मैं, दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए न्यू टी माइनस के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड, ओमेगा न्यू डैश टी डैश माइनस के एक्स डैश, के वाई डैश, के जेड डैश ओवर ओमेगा. ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलो इसके आगे कल करेंगे, अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है, पर अभी ये देखते हो.